भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल की भावना बदलनी चाहिए। इन परंपराओं को ठीक करने के लिए जो काम हमें करना चाहिए उसकी आज जरूरत है। लोकतंत्र में सर्वोपरि सबसे अच्छा दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी, उसके वहां ईडी सीडी सीबीआई भेज दूं। मणिपुर में एक महिला के पर अत्याचार होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है, तब जाके हमें चिंता होती है। आज जब मुझे यहां बात करना है, तब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल की भावना बदलनी चाहिए। इन परंपराओं को ठीक करने के लिए जो काम हमें करना चाहिए उसकी आज जरूरत है। लोकतंत्र में सर्वोपरि सबसे अच्छा दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी, उसके वहां ईडी सीडी सीबीआई भेज दूं। राजा ने कहा कि राजा शक से परे होना चाहिए। हम बात करते हैं राम राज्य की, क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो शासक, वो राजा ऐसा था कि झूठे बेर एक शबरी मां के आए तो महिला सम्मान में वो शासक विश्वास रखता था। वो झूठे बेर उस मां शबरी के उन्होंने खा लिए। और हम आज क्या बात करते हैं? मणिपुर में एक महिला के पर अत्याचार होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है, तब जाके हमें चिंता होती है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की। मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी यह थी कि एक गांव में एक शासक था, बड़ा ही डिक्टेटर था, पर वो पूरे गांव को इकट्ठा करता था और फिर कहता था मैं ये करना चाहता हूं, और गांव के लोग हां बोलते थे। एक दिन उसी गांव का एक आदमी का बेटा जो बाहर के राज्य में पढ़ने गया था, वो आया और उसने सुना कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे राजा तो, हमारे शासक पूरे गांव को पूछते हैं और फिर तय करते हैं, मैं भी आऊंगा। उसके बाप ने कहा बेटे आना है तो आ, पर जो सब कहते हैं उसमें हां 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 बोलना और कुछ मत बोलना। गया बेटा वहां, शासक ने कहा बकरी ले गई ऊंट को, पूरे नगर ने कहा हां जी हां जी। वो लड़का खड़ा हो गया कि बकरी इतनी छोटी सी ऊंट को कैसे ले जाएगी, मैं सहमत नहीं। ठीक है, सभा बर्खास्त हुई। जैसे ही घर आए, बाप ने थप्पड़ लगा दी, क्या कर दिया तूने? बोले कैसे, मैं सच बोला। बोले नहीं, बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, क्योंकि यही शासक के नीचे रहना है। और थोड़ी ही देर में, और थोड़ी ही देर में वो आया पुलिस वाला कि तुमने राष्ट्रद्रोह किया है, उठा के बेटे को ले गए। थोड़ी देर में इनकम टैक्स की रेड हुई, थोड़ी देर में ईडी आई, थोड़ी देर में सीबीआई आई, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये वाला भी एक शासन है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, इसी नगर में रहना है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब संविधान सभा मिली, बाबा साहेब अम्बेडकर की उस स्पीच को देखना होगा। मैं तो सभी आपके जरिए सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा और धन्यवाद करूंगा स्पीकर मीरा कुमार जी का, उस कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का,
जिसने पूरी संविधान सभा को एक डॉक्यूमेंट्री, एक बहुत अच्छी फिल्म की तरह बना के रखी। मैं सिर्फ दो मिनट में खत्म करूंगा। मैम, ये जो अंबेडकर जी ने जब ये बात रखी संविधान सभा के अंदर और कहा कि हमने जब ये संविधान सभा शुरू की, मैं आया, मैं मेंबर बन के आया था ये समझ के कि कुछ दलितों की दो बात कर लूंगा। मुझे ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना, मुझे और ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और जब ये सारी चीजें पास हुई तब मुझे और ताजुब हुआ। पर मैं इन सब चीज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन को मानता हूं, उसको श्रेय देता हूं। और एक ही लाइन में बात खत्म करता हूं कि जब ये कहते हैं नेहरू जी के लिए, मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो लफ्ज नेहरू जी के लिए कहे थे, कम से कम उसको एक बार पढ़ लेना, उसको एक बार दिल से लगा लेना। वो बोलने वाले विपक्ष के नेता थे वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा था नेहरू जी के लिए, उसको कम से कम याद कर लेना, तो फिर आपको नेहरू जी के खिलाफ बोलने की कभी भी दिल से इच्छा नहीं होगी। मुख्तर सी जिंदगी है, अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, वक्त की पाबंदी है, इसलिए लंबी बात नहीं करते हुए मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।